मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा ऐसा बताने की कोशिश की गई कि नबी मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद बाइबल के प्रॉफिटों की कड़ियों में सब में आखिरी है, और इसकी भविष्यवाणी पहले से की गई थी कि वो क्या बोलते हैं टी के लिए मुसलमान बाइबल का सहारा लेते जैसे ईसाई लोग किया करते थे। हिस्टोरिकल आउटपुट आपको पुरानी बायोग्राफी में मिल जाएगा, इब्न इसहाक में मिल जाएगा, आयतुल किताब। बायोग्राफी नबी की जो बायोग्राफी है वो एक तरीके के पैटर्न को फॉलो करती है जो कि पुरानी बिब्लिकल जो नबी जो पेट्रियार्क थे उनके पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखी गई है। इसमें सबसे बड़ा जो थीम आता है, इसमें कई बहुत सारे थीम है, और सबसे बड़ा थीम है अनाउंसिएशन का, यानी चोजन वन इमरजेंस अरेबिया में होना, ये प्रीडिस्टेंट था, इनकी भविष्यवाणी पहले से की गई थी, और इनका इतना ही काम था कि ये आइडेंटिफाई करे पुराने नबियों का हिस्ट्री को प्रूव करने के लिए। मुसलमान जो यहूदी सेक्रेट हिस्ट्री है उसके उसका हवाला देते हैं, और किस किन चीज़ों का हवाला देते हैं आगे देखेंगे। मैं बड़े जो हिस्ट्री हिस्टोरियन में जो शुरुआत में आते हैं, जो करामत अली इब्न रब्बान अल तबरी उस डिवोटेड टू बल्क ऑफ हिस बुक, इन्होंने ये किताब पूरी इस पर डेडिकेटेड की गई है इस थीम पे कि बाइबलिकल बाइबलिकल पैसेज कोट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि नबी मोहम्मद इन इन किताबों में पहले से आए हैं, ना कि ये कोट करने की कोशिश करते हैं। और मुस्लिम इतिहासकारों ने जब इनकी बायोग्राफी लिखी थी नबी मोहम्मद की, तो बहुत सारी चीज़ें इन लोग से उठाई थी। ठीक है, द कुरान ऑलरेडी कंटेन्स सम एक्सप्लिसिट मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंटेंट कंटेंशन दैट द इमर्जेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वॉज प्रोटोजेनेस्टिकेटेड इन द सेक्रेट स्क्रिप्चर ऑफ द क्रिश्चियन एंड द जूस विद द रेफरेंस। यू कैन सी द कुरान स्टेट दैट जीसस ब्रॉट टू हिज पीपल द गुड टाइडिंग अबाउट अ न्यू प्रॉफिट हु वुड कम आफ्टर हिम एंड हिज नेम वॉज अहमद। तो इस कुरान की रायतों से ही मुसलमान इतिहासकारों ने कोशिश बताने कोशिश की कि इनका नाम अहमद है, जो जिस जीसस ने ये प्रेडिक्ट किया था, और ये और उसको अहमद का मतलब होता है पैरासिलेट होता है, जिसका मतलब होता है कम्फर्टर, और ये बाइबल की इन आयतों में भी याद है। तो ये हदीस लिखने से पहले मुसलमान इतिहासकारों ने ये सब पैटर्न करना चालू लिखना चालू कर दिया था, और कंफर्टर बाइबल प्रेसेंट, तो इनको पता था इनके बिब्लिकल हिस्ट्री के बारे में। इब्न इसहाक के दौर से इन्होंने ये पैरासिलेट के तौर पे इसको इनको आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया। इब्न इसहाक की जो सीरा है बायोग्राफी है सेक्रेट बायोग्राफी है जो वर्बेटम कोट करते हैं गॉस्पल ऑफ जॉन का, उसमें पैरासिलेट को ये तो ये नाम से पुकारते हैं वो, इन्होंने ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, मैंने हम दिया हुआ है कम्फर्टर दिया हुआ है, और ये इब्न इसहाक अपनी पहली बायोग्राफी में बोलते हैं कि देखिए जो सीरिया में जो नाम है ना यही है, और ये बाइबल में आता है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। इनके अलावा द सेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैरासिलेट विद द बाइबल रिकरेंट अर्लियस एक्सेट एक्सेट एक्सटेंट कमेंट्री ऑन द कुरान, जी द रेफरेंस कुरानिक रेफरेंस की जो कमेंट्री है उसमें भी इसमें ये रेफरेंस आता है कि ये आने वाले पैरासिलेट है अहमद है, और ये किन्होंने की थी कमेंट्री लिखी थी मक्तिल सुलेमान ने लिखी थी, और देखो 150 साल में बाद लिख रहे हैं वो हिजरी में लिख रहे हैं, और वही अहमद वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं अहमद ही सीरिया की। अब इसका मतलब इन्होंने सीरिया वाले ये मतलब से निकाला। ठीक है, ठीक है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुरानिक अहमद विद पैरासिलेट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट इज मच अर्लियर देन इट इज यूजली अज्यूम बाय मॉडर्न स्कॉलर लेटर कमेंटेटर लाइक द अल राजी एड्यूस फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट दैट द वर्बेटम कोटेशन ऑफ द पैरासिलेट पैसेज इन देयर कमेंट्री ऑफ द कुरान वर्सेस अबाउट अहमद। बट द पैरासिलेट इज नॉट द ओनली इंस्टेंस ऑफ बिब्लिकल एनाउंसिएशन ऑफ द इस्लामिक प्रॉफिट। तो ये पैरासिलेट ही नहीं, इसके अलावा भी कई रेफरेंस है जो मुसलमान इतिहासकारों ने इस्तेमाल किए थे प्रॉफिट मोहम्मद को चोजन वन बताने के लिए, जो बायोग्राफी लिख रहे थे। द कुरान इटसेल्फ ऑलरेडी यूटिलाइज फर्दर बिब्लिकल रेफरेंस फॉर द सेम पर्पज। तो और रेफरेंस देखेंगे जैसे ये वाला रेफरेंस कुरान का, से द मोजस दैट ही विल एक्सटेंड हिज कंपैशन टू दोज हु विल फॉलो द मैसेंजर ऑफ द प्रॉफिट उम्मी। तो ये वर्ड इसमें आता है उम्मी दैट दे राइट विद देम इन तौरा एंड गॉस्पल। दिस द पैसेज इंप्लाई दैट मोहम्मद इज डिस्क्राइब इन द स्क्रिप्चर ऑफ चूज एंड क्रिश्चियन एज प्रॉफिट ऑफ उम्मी। तो इसका प्रॉफिट ऑफ उम्मी करके भी बाइबल में रेफरेंस आता है, जो कि ऐसा बताएगा कि ये मूसस बोल रहे थे। तो द सिग्निफिकेंट ऑफ उम्मी हैज मच डिस्कशन इन मॉडर्न स्कॉलरशिप एंड कैन नॉट बी इजिली ट्रांसलेट ट्रांसलेटेड सम हेथ्रो अननोटिस एस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस विल नेवर्थलेस विल बी रिवील्ड थ्रू द इंशुइंग एग्जाम एग्जम्पशन ऑफ द लिटरेरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द उम्मी आइडिया दैट अर्ली बायोग्राफर ट्रेडिशन यूजेस। क्या बोलते हैं बाइबल में उम्मी करके जो वर्ड आता है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थेम द प्रॉफिट वॉज कॉल्ड उम्मी ऑलरेडी इन द बुक ऑफ इब्राहिम। तो ये इब्न इसहाक ने कोट किया है कि बुक ऑफ इब्राहिम में उम्मी करके तो पहले से आता है, और ये कहाँ से निकलते हैं उसमें उम्मी को और अहमद को और प्रॉफिट मोहम्मद का नाम इन्होंने कहाँ से ढूंढ के निकाला है, इब्राहिम का रेफरेंस देते हैं, और ये भी इन्होंने लोगों ने भी दिया बुक ऑफ इब्राहिम का रेफरेंस देते हैं जहाँ पर ये नाम आता है जेनेसिस जेनेसिस वगैरह। तो ये जेनेसिस का एग्जाम्पल दिखाता हूँ पहले मैं, तो जेनेसिस 17:20 में एक वर्स आती है इन लोगों की बाइबल के इश्माइल के बहुत सारे बेटे होंगे और उनमें से कोई राज करेंगे, तो ये मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको इस्तेमाल किया, जो उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है गोय। तो गोय से इन्होंने उम्मी बना दी, उम्मी का मतलब नेशन होता है, अब उम्मी को इन लोग अनपढ़ भी बोलते हैं और उम्मी का मतलब नेशन भी होता है। तो पैरेललिज्म बिटवीन गोय उम्मी इज इंडीड स्ट्राइकिंग अल तलमूद हिब्रू गोय। देखो गोय और उम्मी जैसा साउंड भी कर रहा है, नॉट बिलोंग टू द सेम पीपल उम्मी सीम्स टू डिनोट। तो देखिए जेनेटल से ज़्यादा मिलता जुलता ये जो उम्मी है क्योंकि ये नॉन यहूदी थे, सीम्स टू डिनोट एक्जैक्ट द सेम वन हु ब्रिंग टू अ नॉन जूश उम्मा। ये वाणी यहाँ से उठाए इन्होंने उम्मी को, और उलाम
उलाम, और उलाम से उन्होंने उम्मी बनाया, द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ से मुसलमानों ने द उम्मी करके जो एक ट्रेडिशन है यहाँ से उठाया है। द बाइबल प्रॉमिस टू इशमाइल इन टू ग्रेट गोय, तो द बाइबल में क्या है, बाइबल प्रॉमिस टू मेक इशमाइल इन टू अ ग्रेट गोय बिकॉज, सॉरी, बिकॉम इट्स ट्रेडिशन ऑफ शाबी प्रॉमिस टू ट्रांसफॉर्म इशमाइल सीड इन टू उम्मी। इट विल बी दैट ग्रेट ऑलरेडी दैट उम्मी पैसेज ऑफ द कुरान अल्यूड टू वेरी बिब्लिकल गॉय वर्स। तो जो कुरान में जो ये पैसेज है, तो ये जेनेसिस की इस आयत को रेफर कर रहा है 17:20 वाली, और उसमें इन्होंने वहाँ से एक नाम भी ढूंढ के निकालते हैं, जो इतिहासकार है इब्न शाकर वगैरह जो ऊपर शाबी वगैरह दिए हुए थे, तो उसका न्यूमेरिकल मतलब निकाल के विद मोहम्मद मोहम्मद निकालते हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कैसे अनाउंसिएशन के वाले थीम को मुसलमान इतिहासकारों ने एक्सप्लोर किया है।